हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ पुणे, जो कि लखनऊ रेलवे स्टेशन से यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और पुणे के लिए जाएंगे। तो हमारे बगल में ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं, इसी ट्रेन से जाने वाले हैं। और इस ट्रेन में मैं आपको आज फैसिलिटी दिखाता हूँ कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी एंड थर्ड एसी में इसमें कैसी फैसिलिटी है। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जय श्री महाकाल। थर्ड एसी में आप देख सकते हैं, एक सीट ये मेरी है, एक ये है, एक ये है। तो थर्ड एसी में कुछ इस तरह से होता है। नॉर्मली लोग जो है थर्ड एसी की टिकट बुक करते हैं, और थर्ड एसी इसी तरह से होता है कंपार्टमेंट। और ये है विंडो सीट थर्ड एसी का। थर्ड एसी में इस तरह से ये आपको चद्दर प्रोवाइड की जाती है, और पीलो होता है। पीलो के साथ साथ एक ब्लैंकेट देते हैं जो कि ओढ़ने के लिए, और प्लस यहाँ पे एक ये चार्जिंग पॉइंट होता है। हर सभी का अपनी अपनी सीट पे एक एक चार्जिंग पॉइंट होता है। और ये है इनका पीलो जो कि साफ़ सुथरा है, और ये है ब्लैंकेट। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ थर्ड एसी का जो वॉशरूम है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ए टू जो टीम होती है उनको कीपिंग, हाउस कीपिंग का व्यवस्था दिया गया है कि क्लीन करने के लिए। और ये देखो कितना साफ़ सुथरा है, ये सब आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये देख लो आप कितनी क्लीनिंग है, साफ़ सफाई। जितनी क्लीनिंग मैंने अभी थर्ड एसी में देखी है उतनी मैंने अभी सेकेंड एसी में मुझे नहीं देखने को मिली। और मुझे लगता है कि अभी ट्रेन स्टार्टिंग है, ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसलिए यहाँ पर क्लीनिंग जो है अच्छी तरह से की जा रही है। तो अगर आप भी ट्रेन में आते हैं तो आपको साफ़ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि बिना टिकट के, कंफर्म टिकट की ट्रेन में यात्रा ना करें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी टीटी हैं वो आपसे पूछेंगे अगर आपके पास टिकट नहीं रहेगा यहाँ पर क्यों खड़े हो। अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आपको बोलेंगे कि आप नेक्स्ट डिब्बे में चले जाएं, नहीं तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा। इस ट्रेन में फर्स्ट कोच है ही नहीं, यहाँ पे सेकंड कोच है। मैं अभी आ चुका हूँ थर्ड एसी से सेकंड कोच में आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर देख लो ये बोतल वगैरह रखने का साधन है, सेम चीज़ है, कोई चेंज नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। सीट की जो साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी लग रही है। और यहाँ पर वही है फ़ैन का प्लग वगैरह, आप यहाँ पे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और ये सीट पूरी तरह से खाली है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ दूसरी सीट पर, यहाँ पर अंकल बैठने के लिए आ रहे हैं। इस तरह से ये पर्दे लगे होते हैं सेकंड डिब्बे में, और इनका जो वॉशरूम होता है इस तरह से क्लीनिंग होता है। तो ये सेकेंड कोच का वॉशरूम है, और यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं साफ़ सफाई हुई है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, यहाँ पर आप ये देख नहीं सकते, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है, इसमें नहाने वाने की कोई सुविधा नहीं है। फर्स्ट एसी में क्या होता है कि नहाने की सुविधा होती है, प्राइवेट केबिन जैसा होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी सीट पर, अपनी सीट पर बैठते हैं और इस वीडियो को एडिट करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। ये देखो सब लोग फ़ोन में जुटे पड़े हैं।